सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोलर। तो जो बॉयलर होता है और जो बॉयलर का ड्रम में वाटर लेवल मेंटेन किया जाता है अराउंड 50%, तो उस वाटर को मेंटेन करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं, सिंगल एलिमेंट क्या होता है, टू एलिमेंट क्या होता है, थ्री एलिमेंट क्या होता है, और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे ये वर्क करता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोलर यानी कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा बॉयलर के ड्रम लेवल को कंट्रोल किया जाता है, उसे ही बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोलर कहा जाता है। देखिए, आज के डेट में वैरायटी ऑफ बॉयलर यूज किया जाता है, कई टाइप्स के बॉयलर होते हैं, चाहे प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, डिजाइन के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, या ड्रम उसमें कितने अवेलेबल है उसके भी अनुसार देख लीजिए। कहीं पे आपको सिंगल ड्रम मिलेगा, किसी में आपको डबल ड्रम मिलेगा, किसी में आपको ड्रम लेस मिलेगा। जो वंस थ्रू बॉयलर होते हैं वो ड्रम लेस होते हैं, ठीक। और इन सभी बॉयलर का एक ही पर्पज है, स्टीम का जनरेशन करना और कंटिन्यूअस स्टीम का जनरेशन करना। और कंटिन्यूअस स्टीम के जनरेशन के लिए आपका कंटिन्यूअस वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो भी ड्रम टाइप वाले जो बॉयलर होते हैं, वहां पर वाटर को एक निश्चित अमाउंट में ड्रम में मेंटेन किया जाता है, अराउंड 50% मेंटेन किया जाता है। एक ड्रम का सेकेंडरी पर्पज भी यही होता है कि वाटर को स्टॉक करके रखना। तो जो भी ड्रम टाइप वाले बॉयलर होते हैं, वहां पर आपका वाटर को मेंटेन किया जाता है और उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग डिवाइस लगे होते हैं, ओके। तो जो ड्रम टाइप वाले बॉयलर है वहां पर ये आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। जो ड्रमलेस बॉयलर होते हैं यानी कि जहां पे ड्रम नहीं होता, जैसे वंस थ्रू बॉयलर, वहां पर आपको ये सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम लोग जो ड्रम टाइप वाले जो बॉयलर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो ड्रम होता है उसमें हम लोग 50% वाटर जो है वो मेंटेन करते हैं, और चूंकि कंटिन्यूस स्टीम का जनरेशन हो रहा है तो कंटिन्यूस वाटर का रिक्वायरमेंट भी पड़ेगा। तो यहां पर ड्रम लेवल को मेंटेन करना काफी जरूरी हो जाता है, वरना अगर जरा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ड्रम जो है वो आपका नीचे चला जाएगा, जिसके कारण से आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप हो सकता है, आपका बॉयलर जो है वो स्टार्वेशन में जा सकता है, ओके। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड, अलग अलग सिस्टम होते हैं। देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में जो बॉयलर होते थे वो बहुत ही छोटा होते थे। तो उस समय क्या होता, उस समय जो सिस्टम थी उतनी एडवांस नहीं थी, तो वहां पर बॉयलर को मैन्युअली मेंटेन किया जाता था, यानी कि खुद से किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे बॉयलर एडवांस होते गए, बॉयलर की कैपेसिटी बढ़ती गई, लोड का फ्लक्चुएशन बढ़ता गया, तो उसके अनुसार आपका सिस्टम को भी एडवांस किया गया। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैन्युअली अगर ड्रम लेवल को मेंटेन किया जाए तो दिन भर यही करना पड़ेगा, सिर्फ ड्रम लेवल को ही मेंटेन कर पाएंगे, अदर कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो इंजीनियर्स थे उन्होंने दिमाग लगाया और एक अलग सिस्टम लेकर आए, जिसके द्वारा ये आपका काम वहां पे खत्म हो जाता है। जब कभी आप अगर ऑटो में रख देते हो तो आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है, जो भी ड्रम लेवल मेंटेन करेंगे वो कंट्रोलर के द्वारा ही किया जाता है। तो इस डायग्राम में समझते हैं कि पहले क्या क्या चीजें हैं, फिर समझते हैं कि कंट्रोलर क्या है और कैसे ये काम करता है। अभी मजा आएगा ना। तो देखिए, सिंपली अगर बेसिक अगर प्रिंसिपल इसका बात करें कि हमारा ड्रम लेवल कैसे मेंटेन होता है ऑटो में, तो ये देखिए, आपका ये बॉयलर ड्रम हो गया, ठीक है, जिसमें 50% हमको वाटर मेंटेन करना है। ये आपका फीड वाटर का लाइन हो गया जो कि बीएफपी से आ रहा है। यहाँ पर आपको फीड स्टेशन वाला कंट्रोल वाल्व मिलेगा, फीड कंट्रोल वाल्व। ये आपका एक ट्रांसमीटर यहाँ पर लगा हुआ है जो वाटर का फ्लो मीटर है, यानी कि फ्लो बता रहा वाटर कितना जा रहा है, ओके। यहाँ पर ड्रम लेवल हमारा कितना शो कर रहा है उसके लिए एक ट्रांसमीटर लगा है, जिसको डीएलटी लिखा है, यानी कि ड्रम लेवल ट्रांसमीटर। ये जो आपको इस तरह का बॉक्स दिख रहा है, इसको कहा जाता है कंट्रोलर। कहीं पे आपको LIC लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है कि लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको कंट्रोलर ही कहा जाता है। यही क्या करता है कि सिग्नल को रिसीव करता है और उसे एनालिसिस करता है, और फिर एक निश्चित कमांड जो है इस कंट्रोल वाल्व को भेजता है कि उसे कितना ओपन होना है और कितना क्लोज होना है, ठीक है। ये जो हो गया वो मेन स्ट्रीम का लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रांसमीटर हमने दिखाया है जो कि मेन स्ट्रीम फ्लो ट्रांसमीटर है, यानी कि मेन स्ट्रीम जो फ्लो है वो कितना है वो उसमें वहां पे शो करेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से आपका ड्रम लेवल जो है वो लो जा रहा है या हाई जा रहा है, तो ये क्या करेगा, कंट्रोलर जो है वो देखेगा ट्रांसमीटर में कि आपका ड्रम लेवल जो है वो लो जा रहा है या हाई जा रहा, और उसी के अनुसार इस कंट्रोल वाल्व को कमांड देगा कि आपका जो ड्रम लेवल जो है वो हाई जा रहा है, कम हो जाओ, अगर लो जा रहा तो थोड़ा बढ़ जाओ, ठीक है, ओपन हो जाओ। तो इस तरह से ड्रम लेवल को देखते हुए वो इसको कमांड देता है और ड्रम लेवल को मेंटेन करता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि आपका ऑटो में जो है वो ड्रम लेवल कैसे मेंटेन होता है। क्या बात है।
अब देखिए ये जो कंट्रोलर होता है ये भी कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल एलिमेंट, दूसरा जो होता है वो होता है टू एलिमेंट, और तीसरा जो होता है वो होता है थ्री एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक कर को डिटेल में समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं सिंगल एलिमेंट को। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अभी बेसिक जो इसका प्रिंसिपल बताया कि कैसे ऑटो में ये काम करता है, तो ये जो है वो सिंगल एलिमेंट का ही काम है। सिंगल एलिमेंट कहने का क्या मतलब है कि ये जो कंट्रोलर है वो एक ही पैरामीटर को देखेगा, ठीक है, एक ही एलिमेंट को देखेगा। उसी तरह टू एलिमेंट वाला जो है वो क्या देखेगा, वो दो पैरामीटर को देखेगा, और थ्री एलिमेंट में वो थ्री पैरामीटर को देखेगा। तो सिंगल एलिमेंट में क्या करेगा, ये सिंगल सिग्नल को आपको रिसीव करेगा, ठीक है, और ये एक ही पैरामीटर को देखेगा, यानी सिर्फ ये जो है वो ड्रम लेवल को देखेगा। आपका ड्रम लेवल अगर बढ़ रहा तो आपको इसको कम कर देगा, इसको कम करने का कमांड देगा कि भाई अब तुम कम हो जाओ, और अगर आपका ड्रम लेवल लो जा रहा है तो इसको क्या करेगा, ये उसको बढ़ा देगा। तो इस तरह से आपका सिंगल एलिमेंट जो है वो वर्क करता है। जैसे कि इसका यूज आपका स्मॉल टाइप के बॉयलर में किया जाता है जहाँ पे लोड वेरिएशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ओके, अब देखिए ये जो ड्रम लेवल होता है ये कम या ज़्यादा आपका सिर्फ फ्लो के कारण तो नहीं हो सकता, और भी अदर रीजन हो सकते हैं, कई तरह के रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक केसेस लिया है और इसी केसेस को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस हो गया, सेकेंड केस जस्ट उल्टा है, तो फर्स्ट केस को ही लेकर हम लोग समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका किसी भी कारण से आपका ड्रम प्रेशर जो है वो लो हो जाए, ठीक है। अब ये कैसे लो हो सकता है, तो मान लीजिए कि एक केस हमने यहाँ पे जैसे लिया है कि अगर मान लीजिए आपका लोड का डिमांड अगर बढ़ जाए, ठीक है, टर्बाइन में आपने लोड बढ़ा दिया, तो जैसे ही आप टर्बाइन पे लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका जो मेन स्टीम फ्लो है, जो स्टीम फ्लो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। उस समय आपका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। साथ में आपका जो ड्रम लेवल जो है, जैसे ही आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ड्रम लेवल जो है, ड्रम लेवल पे एक खिंचाव उत्पन्न होगा ऊपर की तरफ, जिसके वजह से आपका ड्रम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। उसी चीज़ को कहा जाता है स्वेलिंग। ओके, मान लीजिए इस केस में आपका जो फीडिंग है, जो कोल फीडिंग है, आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सर्टेन टाइम के लिए कॉन्स्टेंट है। और इनके सब मान लीजिए कि अगर आपका टर्बाइन का लोड जो है वो कम हो गया, ठीक है, तो उस समय आपका मेन स्ट्रीम फ्लो भी कम होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और ड्रम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, डेट मीन्स आपका क्या होगा, ये इसके ऊपर ड्रम के ऊपर क्या होगा, वो दबाव डालेगा, जिसके कारण से क्या होगा, सर्टेन टाइम पे आपके लिए ड्रम जो है वो आपका नीचे की ओर जाएगा। ओके, यानी ड्रम लेवल कम होगा, उसी चीज को कहा जाता है श्रिंकिंग। और ये भी जो है वो कुछ पल के लिए होता है, जैसे ही आपका प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, लोड स्टेबल हो जाता है, वो फिर अपना नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ओके, तो ये फर्स्ट केस में देखिए कि अगर हमारा क्या होता कि ये अगर सिंगल एलिमेंट में रहता, ठीक है, सिंगल एलिमेंट में रहता तो क्या हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता। अरे कहना क्या चाहते हो, कि मान लीजिए कि जैसे ही हमने टर्बाइन का लोड बढ़ाया, हमारा मेन स्ट्रीम फ्लो बढ़ा, और मेन स्ट्रीम फ्लो बढ़ा डेट मीन्स आपका यहाँ पे प्रेशर घटा, और प्रेशर घटा मतलब ड्रम लेवल बढ़ा। तो सिंगल एलिमेंट में अगर ये रहता तो क्या करता, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये सिंगल एलिमेंट है। ओके, तो अगर ये सिंगल एलिमेंट में रहता है ये तो ये कंट्रोलर ये देखता कि हमारा ड्रम लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसको लेवल शो करता कि ड्रम लेवल जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, तो ये इसको क्लोज करने का जो है कमांड दे देता है, ये क्लोज होने लगता, कम होने लगता। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ हो रहा है कि आपका लोड जो है वो टर्बाइन में बढ़ा है, जिसकी वजह से स्टीम फ्लो बढ़ा है, और स्टीम फ्लो बढ़ा है इसका मतलब है कि आपका वाटर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ा है, यानी कि वाटर इसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये जस्ट फॉर कुछ टाइम के लिए हुआ है ड्यू टू स्वेलिंग, ठीक है, प्रेशर लो होने की वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अगर सिंगल एलिमेंट में ये रहता और ये इसको क्लोज करने का कमांड दे देगा, तो जैसे ये नॉर्मलाइज होगा, आपका लोड स्टेबल होगा, तो ड्रम लेवल आपका जो है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका बोलर जो है वो ट्रिप भी हो सकता है। तो इसलिए इसका लोड वेरिएशन के साथ ये बहुत ज़्यादा सिंगल एलिमेंट जो है वो स्मूथ नहीं है, बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता, इसलिए फिर इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाया गया। फिर इसका आपका नया एडवांस सिस्टम लाया गया जो कि टू एलिमेंट है। तो टू एलिमेंट को अब हम लोग समझते हैं। ओके, सिंगल एलिमेंट हो गया, तो देखिए टू एलिमेंट मतलब दो पैरामीटर को लेगा, तो ये ड्रम लेवल को तो सबसे पहले देखेगा ही, साथ में आपका जो मेन स्टीम फ्लो है उसको भी ये देखेगा, वहां से भी ये इसको सिग्नल मिलेगा इस कंट्रोलर को। देखिए कंट्रोलर जैसा कि वही चीज है, जैसे कि आप मैन्युअली इसको मेंटेन करते हो उस समय आप कंट्रोलर हो जाते हो, और यदि ये ऑटो में है तो ये कंट्रोलर हो जाता है। समझ लीजिए कि ये एक तरह से ये एक पर्सन का काम कर रहा है, वो हमारा ही काम कर रहा है, हमारा काम आसान हो जाए इसलिए इसको ऑटो में डाल दिया जाता है, ताकि सारा लोड जो है वो इस कंट्रोलर के ऊपर जाए, ड्रम लेवल देखने का काम जो है वो ये कर ले, हम जो अपना दूसरा काम पर आसानी से फोकस कर सके। वरना क्या होता कि दिन भर आप ड्रम लेवल ही देखते रह जाते। तो देखिए टू एलिमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे वो दो गो सिग्नल लेगा, मेन स्ट्रीम फ्लो और ड्रम लेवल को।
तो पहला वाला ही केस लेते हैं कि अगर टर्बाइन लोड बढ़ा तो मेन स्टीम फ्लो बढ़ेगा, प्रेशर ड्रॉप होगा और ड्रम लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। तो अभी ये कंट्रोल वाल्व देखा कि इस केस में कि आपका ड्रम लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, फिर ये क्या करेगा, ये मेन स्ट्रीम फ्लो को भी देखेगा कि मेन स्ट्रीम फ्लो बढ़ा है घटा है या वो उसी कॉन्स्टेंट लोड पे चल रहा है। तो ये देखेगा कि यहाँ पर मेन स्ट्रीम फ्लो भी बढ़ गया है, तो ये समझ जाएगा कि नहीं यहाँ पर जरूर कुछ लोचा है, जरूर ये मुझे उल्लू बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मेन स्ट्रीम फ्लो को देख कर, ड्रम लेवल को देख के वो एक एनालिसिस करेगा और फिर इसको एक निश्चित कमांड देगा कि भैया अभी जो ड्रम लेवल जो है वो आपका स्वेलिंग के वजह से बढ़ा है, यहाँ पर जरूर आपका लोड जो है वो इंक्रीज हुआ है जिसके वजह से आपका वाटर का रिक्वायरमेंट भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो वो जो सिंगल एलिमेंट में जो इसको क्लोज करने का कमांड इसको तुरंत मिल जा रहा था, तो यहाँ पर उसको तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम को फ्लो को देखते हुए भी इसको क्लोज होने का कमांड देगा, बहुत ही धीरे धीरे देगा ताकि आपका ड्रम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे नहीं चला जाए। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो जो सिंगल एलिमेंट से वो हाई होती है, क्योंकि ये दो चीज़ों को एनालिसिस करके यहाँ पे देता है। ठीक, दूसरे केस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो डबल एलिमेंट होते हैं इसका जो यूज होता है वो मॉडरेट टाइप के बॉयलर में यूज किया जाता है, जहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन जो होता है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा, तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। लेकिन आज के समय में क्या है, हाई कैपेसिटी के बॉयलर है, हाई कैपेसिटी के पावर जनरेशन होते हैं, हाई आपका लोड फ्लक्चुएशन भी होता है, तो इसमें ड्रम लेवल का फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या हो कि अगर आपका सिंगल एलिमेंट हो चाहे टू एलिमेंट हो, वो उसके लिए एफिशिएंट नहीं है, वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या किया गया कि और एक नया एडवांस सिस्टम लाया गया और उसको अपडेट किया गया, जो आपका कहलाता है थ्री एलिमेंट। तो थ्री एलिमेंट क्या है, तो ठीक उसी तरह ही है कि बस इसमें आपका क्या है कि उसमें दो आपका सिग्नल आते थे, इसमें तीन आएगा। अब ये क्या करेगा कि आपका वाटर फ्लो को भी ये देखेगा कि सबसे पहले ये देखेगा कि हमारा ड्रम लेवल क्या है, फिर देखेगा मेन स्ट्रीम फ्लो क्या है, फिर आपका देखेगा कि वाटर फ्लो क्या है। इन तीनों को एनालिसिस करके, ठीक है, सोच समझ के फिर एक फाइनल आपका आउटपुट देगा इस कंट्रोल वाल्व को कि भैया अब मेरा ड्रम लेवल में वाटर की जरूरत है, तुम खुल जाओ। तो इसी केस को हम लोग थ्री एलिमेंट में समझते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थ्री एलिमेंट हो गया। तो जैसे ही कि हमने देखा था यहाँ पे लोड इंक्रीज हुआ तो मेन स्ट्रीम फ्लो इंक्रीज हुआ, ठीक है, यानी कि स्टीम का रिक्वायरमेंट बढ़ा, प्रेशर ड्रॉप हुआ और ड्रम लेवल जो है वो इंक्रीज किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कंट्रोलर जो है वो सबसे पहले देखेगा ड्रम लेवल। तो हमने कंट्रोलर में क्या किया है कि 50% सेट पॉइंट दे के रखा है। ठीक है, जो भी सेट पॉइंट दिया जाता है वो इस कंट्रोलर में ही दिया जाता है, जितना आप सेट पॉइंट दे दोगे उतना ही मेंटेन करेगा। 40 दे दोगे तो 40 ये मेंटेन करेगा ड्रम लेवल, अगर 50 दिए तो 50 मेंटेन करेगा। तो ये देखेगा कि हमारा ड्रम लेवल कितना चल रहा है, 50 से ज़्यादा चल रहा है तो देखेगा 50 से ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, इस केस में, तो उस केस में फिर आप देखेगा कि मेन स्ट्रीम फ्लो क्या है, मेन स्ट्रीम फ्लो देखेगा कि हाँ ये भी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेगा कि वाटर फ्लो कितना चल रहा है, ये कम चल रहा है या कॉन्स्टेंट चल रहा है या बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसको कम कर देगा, कॉन्स्टेंट चल रहा है तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेगा, ठीक है, कि ड्रम लेवल कितना जा रहा, और अगर बहुत ज़्यादा कम चल रहा है तो इसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये तीनों को एनालिसिस करते हुए एक इसको निश्चित कमांड देगा ताकि हमारा ड्रम लेवल जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। तो चूंकि ये तीनों चीज़ों को एनालिसिस करके इसको कमांड देता है, तो इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ही स्मूथ होती है और ये बहुत ही अच्छे से ड्रम लेवल को मेंटेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई अगर मोबाइल खरीदते हो तो एक मोबाइल खरीदने के लिए क्या करते हो, 10 मोबाइल को देखते हो, कंपेयर करते हो अलग अलग मोबाइल से, रेडमी देखोगे, रियलमी देखोगे, वन प्लस देखोगे, आईफोन देख लिए, ठीक है, तरह तरह के आप मोबाइल देखोगे और लास्ट में सभी से कंपेरिजन करके अपना एनालिसिस करके एक फाइनल डिसीजन दोगे कि चलो ठीक है इस बजट में हमको ये वाला मोबाइल ले लेना है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी है कि ये तीन चीज़ों को देख रहा, तो तीनों चीज़ों को अगर देखेगा, तीनों चीज़ों में कंपेरिजन करेगा तो ये जो यहाँ पर जो इसका फाइनल जो डिसीजन निकलेगा वो काफ़ी अच्छा निकलेगा, जिसके वजह से ये ड्रम लेवल को जो है वो आसानी से मेंटेन कर लेगा। साथ में एक चीज़ और कि हमारा जो मेन स्ट्रीम जो फ्लो होता है या वाटर फ्लो होता है आपका टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर को देखते हुए इसका कंपनसेट कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम फ्लो पे और वाटर फ्लो पे, ताकि हमारा जो भी मेन स्ट्रीम फ्लो बताए चाहे वाटर फ्लो बताए वो प्रॉपर बताए, ताकि जब भी ये इसको सिग्नल मिले तो ये प्रॉपरली इसको वर्क कर ले, प्रॉपरली हमारा जो ड्रम लेवल जो है वो सही तरीके से मेंटेन करे। कंपनसेट का मतलब होता है किसी चीज को भरपाई कर देना, क्षतिपूर्ति कर देना। जैसे मान लो आप अगर बाइक चला रहे हो
किसी साइकिल वाले को ठोक दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या करोगे, उसको कंपनसेट कर दोगे, जो भी उसका नुकसान हुआ है उसमें आप एक अप्रोक्स उसको अमाउंट दे दोगे, जैसे मान लो 400-500 कुछ अपने एक मर्जी से दे दोगे कि हाँ इतना आपका उसका नुकसान हुआ है, तो यानी क्या किया आपने, उसे कंपनसेट कर दिए, उसकी भरपाई कर दिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है कि हमारा मेन स्ट्रीम फ्लो हो चाहे वाटर फ्लो है, वो प्रेशर और टेम्परेचर पर भी वेरी करता है, ठीक है, तो उसका भी कंपनसेशन इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके इस फ्लो पे और आपका वाटर फ्लो है चाहे मेन स्ट्रीम फ्लो है उसमें दे दिया रहता है, ताकि ये जो कंट्रोलर जो उसको सिग्नल मिले उसको प्रॉपर मिले और ये इफेक्टिवली इसको वर्क करे। ओके, बॉयलर लोड आपका जितना स्मूथ होगा, जितना स्टेबल होगा, इसकी एक्यूरेसी जो होगी उतनी ही हाई होगी, उतनी ही वो अच्छे से ड्रम लेवल को मेंटेन करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि टर्बाइन ट्रिप हो गया या आपका आइलैंडिंग आ गया या बॉयलर ट्यूब में लीकेज हो गया, तो सडनली आपका जो है कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। ये जो कंट्रोलर जो यहाँ पर बैठा हुआ है इसको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या, ठीक है, तो इसको समझते समझते काफ़ी लेट हो जाएगा और आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप कर सकता है। तो इसलिए इन केस ऑफ इमरजेंसी इस कंट्रोल भाग जो कि आपका पहले ऑटो में चल रहा था, इसको मैनुअल ले लिया जाता है और मैनुअली अपने ड्रम लेवल को मेंटेन किया जाता है, यानी कि उस समय जो डेक्स इंजीनियर होते हैं वो खुद कंट्रोलर बन जाते हैं, इस कंट्रोलर की जगह क्या होते हैं, वो खुद कंट्रोल करते हैं। जब कभी अगर मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो खुद कंट्रोलर है, ठीक है, और जब कभी अगर ऑटो में डाल दिए इसका मतलब है कि यही कंट्रोलर है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझे इस केस को लेकर कि इस केस में आपका कैसे ये काम करता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीज होता है कि आपका जैसे जैसे आपका टर्बाइन लोड आपका इंक्रीज होता है, तो उस केस में जैसे कि हमने देखा कि आपका प्रेशर जो है वो ड्रॉप होगा, मेन स्ट्रीम फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, तो उसी रेट में आपका बॉयलर में लोड भी बढ़ाया जाता है, जो भी फ्यूल है आपका कोल हो, गैस हो, चाहे ऑयल हो, उसको भी इंक्रीज किया जाता है ताकि आपका रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इंक्रीज हो, ठीक है। अगर रेट ऑफ स्टीम जनरेशन अगर इंक्रीज होगा तो आपका बॉयलर का प्रेशर भी राइज होगा, तो जो प्रेशर आपका ड्रॉप हो रहा था वो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो डेट मींस आपका क्या होगा कि प्रेशर जो होगा वो स्टेबल होगा, अगर लोड को स्मूथली इंक्रीज किया जाए, ठीक है, टरबाइन में और बॉयलर में, तो उस केस में आपका प्रेशर जो होगा वो आपका स्टेबल बना रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन नहीं आएगा तो उस केस में आपका ड्रम लेवल जो है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो उस केस में भी आपका जो जैसे मान लीजिए आपका ड्रम लेवल जो है वो 3 एलिमेंट में है, तो वो देखेगा हमारा ड्रम लेवल तो आपका स्टेबल है, 50% ही शो कर रहा, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम फ्लो जो है वो इंक्रीज कर रहा, तो ये समझ जाएगा कि हमारा बॉयलर का लोड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में फिर वो देखेगा कि हमारा वाटर फ्लो क्या चल रहा है, तो अगर कम चल रहा है तो इसको बोलेगा कि भाई आपका ड्रम लेवल जो है वो कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका मेन स्ट्रीम फ्लो बढ़ गया है, बॉयलर का लोड बढ़ गया है, तो ये इसको कमांड देगा कि खुल जाओ क्योंकि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है ड्रम लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये इसको खुलने का कमांड दे देगा और वाटर फ्लो जो है वो जाएगा, तो उस केस में आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम का जो फ्लो होता है और जो वाटर का फ्लो होता है वो लगभग आसपास ही होता है, जिससे आपका ड्रम लेवल जो है वो स्टेबल बना रहता है। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।